Vamos a decir, हाँ मैं नहीं अंगरी पहुंचने में वाले कल दोपहर पहुंच पाएंगे अंगरी, कल दोपहर में अंगरी पहुंचेंगे भाई साहब 12 से 1 के बीच में। क्या है भाई साहब वहां से करीब है 1500। डॉक्टर साहब आपका बच्चा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है MBBS की, इस समय क्या पोजीशन है वर्तमान, क्योंकि यूक्रेन के हालात ज़्यादा ख़राब हैं, तो क्या कहेंगे आपके बच्चे से, कब बात हुई थी, इस समय पोजीशन क्या है और कहाँ है वह? क्या है कि वो यूक्रेन में मिडिल में है, बिल्कुल भी मिडिल में है, तो इसकी वजह से बात तो उससे अभी हमारी कंटिन्यू होती रही 2-3 दिन तक, लेकिन निश्चित तौर पर जब जंग के बहुत ज़बरदस्त हालात हुए तो उसकी वजह से वहाँ के जो मार्केट थे वो टोटल बंद हो चुके थे, बट लेकिन उन्होंने कुछ स्टोरेज कर रखा था, उसकी वजह से उनके लिए वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाई। वर्तमान में यह है कि कल ये डिसाइड हुआ कि जब रूस सरकार ने कहा कि जो आपकी परमाणु शक्ति है उसकी जो वो थी, उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी, उनसे जब उनने कंसल्ट किया तो बच्चे भी परेशान हुए। फिर रात को उनका फ़ोन आया, उन्होंने ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ एक ऐसा निर्णय लेंगे जिसकी वजह से कि हम सेफ जोन में पहुँच सकें, क्योंकि इंसिडेंट जब उन्होंने वहाँ पे एम्बेसी से वो किया तो उन्होंने ये कहा कि आप बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे तब तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ से तो आपको स्वयं बस से या कोई भी अपना साधन करके आना पड़ेगा। तो फिर कल एक निर्णय लिया गया था कि भाई यदि परमाणु शक्ति या कोई ऐसा बम विस्फोट की बात होती है तो इससे अच्छा है कि बेस्ट है कि हम निकलें। तो बच्चे अभी करीब अभी 1 घंटे पहले हमारी बात हुई थी और करीब 12:30 बजे वहाँ के समय के हिसाब से 8:30 बजे सुबह बच्चे बस से डबल डेकर बस से निकल चुके हैं हंगरी के लिए। और बच्चे होंगे साथ में? बच्चे करीब होना चाहिए 50 से 60 बच्चे, डबल डेकर बस है तो 60 बच्चे होना चाहिए। और वर्तमान में जो स्थिति है कि वो जो रास्ता है वो 1500 करीब किलोमीटर है, लेकिन सेफ जोन है, कुछ बीच में कोई यदि कहीं कोई किसी तरह का डिस्ट्रक्शन या कहीं कोई परेशानी आती है या कहीं प्रॉपर जो आपका जो रूट है वो नहीं यदि क्लियर होता हो। वहाँ से फ्लाइट का क्लियर हुआ कब? नहीं नहीं अभी कहाँ, अभी तो बॉर्डर पे पहुँचेंगे, बॉर्डर पे पहुँचने के बाद क्या हमारी केंद्र की सरकार है वो कब देती है, वहाँ कितने बच्चे हैं पहले उनके लिए वो करेंगे उनकी जो प्रोसेस, क्योंकि यूक्रेन ने तो अपने बॉर्डर खोल रखे हैं लेकिन जो जो जो, जो कंट्री है, लेकिन अभी हमने TV के माध्यम से भी देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर हरदीप पुरी जी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं केंद्रीय मंत्री हैं उनके लिए वहाँ पर लगाया है और भी जो मंत्री हैं वो उन्हें अलग अलग बॉर्डर्स पे भेजा है। तो निश्चित तौर पे अब ये है कि जब इनका कल ये करीब वहाँ पे 1-1.5 बजे करीब पहुँचेंगे, 1.5 बजे पहुँचने के बाद वहाँ की क्या परिस्थिति रहती है, तो क्या बीच में किस तरह की स्थितियाँ रहती हैं, तो बच्चे से यही बात हुई तो बच्चे ने कहा कि मैं जहाँ जैसे नेटवर्क होगा तो मैं आपको मैसेज के माध्यम से बताऊँगा। और फिर कल जब वहाँ पहुँचने के बाद बॉर्डर के बाद फिर क्या स्थिति होती है।